जी हाँ दोस्तों, ड्रोन फुटेज देखना हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये वीडियो में इंट्रोड्यूस करता है बर्ड्स आई व्यू वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एंगल, और इसीलिए शायद पूरी दुनिया में जो भी ड्रोन्स है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। बहुत सारे फिल्म मेकर अपने वीडियोस में ड्रोन शॉट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी एक ड्रोन DJI की, Mavic Air की। लेकिन पहले लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों इस साल की स्टार्टिंग में DJI ने इंट्रोड्यूस किया है कंपनी का नया ड्रोन DJI Mavic Air, जो कि ऑलरेडी पॉपुलर DJI Spark से काफी मायने में बेटर है। फ्लाइट टाइम अगर मैं कहूँ तो DJI Spark का फ्लाइट टाइम है 15 मिनट और DJI Mavic Air का फ्लाइट टाइम है 18 मिनट्स, और डेफिनेटली कैमरा जो है वो DJI Mavic Air में शूट करता है 4K 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, लेकिन जो Spark में है वो ओनली 1080 पिक्सल में ही शूट करता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। मेरे पास जो है अभी वो DJI Mavic Air Fly More Combo, करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, देखते हैं पैकेजेस में हमें मिलता क्या है और फिर इसको उड़ाएंगे पहली बार। तो दोस्तों ये है DJI का लेटेस्ट ड्रोन जो है DJI Mavic Air, जो DJI Spark और DJI Mavic Pro के इन बिटवीन रेंज में है। ये ड्रोन काफ़ी स्पेशल इसलिए है कि ये DJI Mavic Pro का स्पेसिफिकेशन इसमें है और DJI Spark का साइज़ का है, हालांकि आर्गुएबली ये DJI Spark से भी छोटी साइज़ में है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर है क्या। ड्रोन जो आती है वो इस बॉक्स में आती है, और ये एक फ्लाई मोर कॉम्बो है, तो इसीलिए कॉम्बो के साथ ये एक बैग आती है। बैग में पूरा बैटरी और प्रोपेलर गार्ड, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स एंड एवरीथिंग है। तो पहले ड्रोन को साइड करते हैं और देखते हैं हमें फ्लाई मोर कॉम्बो में क्या क्या मिला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो है ये कंट्रोलर, ये कंट्रोलर का ये मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा Mavic Air। और दोस्तों यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे कोई जॉयस्टिक है नहीं, जो कि बेसिकली घबराइएगा नहीं, जब अगर इसको आप अगर ऐसे निकालोगे तो जॉयस्टिक जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसको वजह से यहाँ से स्क्रू अप करना है एंड यू आर रेडी टू गो। बट ध्यान में रखिएगा जब भी आपका ये यूसेज कम हो जाएगा जॉयस्टिक को हमेशा संभाल के रख दीजिएगा, क्योंकि ये गुम हो जाएंगे तो फिर बाद में मुश्किलात आपको ही पड़ेंगी। परफेक्ट। और ये इसके एंटेनास है, जो जनरली हमेशा आप ऐसे इसको चेंज करके इसको इधर ऐसे रखें या 45 डिग्री में रखें, जैसे आपका ड्रोन जैसे चलेगा एग्जैक्टली वैसे। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर है ये चार्जिंग अडैप्टर, चार्जर, ये चार्जिंग हब, और ये एक ऐसा स्पेशलाइज चार्जिंग हब है कि इसमें आप चारों बैटरीज को एक साथ चार्ज कर सकते हो एट सिंगल टाइम, क्योंकि ये ऐसे खुल जाता है। इसके अलावा इसमें दो स्पेयर बैटरीज भी दी हुई है DJI की। ये बैग भी बहुत सुंदर है, ये बैग भी आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, इस बैग में भी एक्स्ट्रा कुछ जगह है, यहाँ पे आप मोबाइल या कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ पैसे वैसे रख सकते हो। यहाँ पे भी इसमें यहाँ पे कुछ जगह है, सिलिका जेल वगैरह है, बट यहाँ पे भी आप कुछ चीज़ रख सकते हो। सेकंड थिंग, यहाँ में इस बॉक्स में भी कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। अच्छा ओके, यहाँ पे हमें मिला है प्रोपेलर गार्ड्स। दोस्तों आप अगर इंडोर फ्लाई करेंगे या पहली बार आप फ्लाई कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली ये आप प्रोपेलर गार्ड यूज़ करें, जो ना कि आपकी प्रोपेलर को ठीक ठाक रखेगा ड्रोन की, आपको इंजरी भी कोई नहीं होगी।
कई कबार होता है कि एक्साइटेड में हम लोग प्रोपेलर पकड़ लेते हैं, वो नहीं होगा। ये बस कुछ किताबें हैं जो इसका तो फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। ये रही एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, यहाँ पे चार सेट है और यहाँ पे भी चार सेट है। ये चार्जिंग केबल या यूएसबी केबल, ये और सारे केबल, और वाओ ये वाला। ये देखिए दोस्तों, दो जॉयस्टिक और एक्स्ट्रा दी गई है कि बाय चांस अगर आप वो गुम हो जाता है तो ये आप उसके साथ उसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट आ गया अपना ओरिजिनल ड्रोन। वाओ, ये ब्लैक कलर का है, ब्लैक जो कि मेरा काफी फेवरेट कलर है। तो दोस्तों, ड्रोन को उड़ाने से पहले ये जो येलो स्ट्रैप्स है ये हमेशा हटा दीजिएगा। DJI Mavic Air की खास बात यह है कि इसका जो प्रोपेलर है ये ऐसे फोल्ड होती है। DJI Mavic में इसकी प्रोपेलर फोल्ड होती थी, बट इसमें ये प्रोपेलर फोल्ड नहीं होती है, प्रोपेलर स्ट्रेट रहती है, बट उसको इसके बॉडी के सामने आ जाती है। इसका जो फ्रंट लेग है वो सामने से खुलता है ऐसे, और जो पीछे वाले जो लेग है वो ऐसे घूम के पीछे आते हैं लाइक दिस। और जब भी आप इसको ओपन करेंगे, ये लैंडिंग गियर हमेशा खोल कर रखिएगा, याद रखेंगे लैंडिंग गियर जो है ये एंटेनास का काम भी करते हैं। वाओ, एक बटन यहाँ पे लगा हुआ है, याद रखिएगा, ये आप हटा दीजिएगा। अच्छा, और एक बात, ये एक गिम्बल कवर कैमरे के लिए दिया गया है, ये जब आप हटाओगे तो ये आ गया आपका कैमरा और गिम्बल। हमेशा ड्रोन का काम खत्म होने के बाद आप गिम्बल इसके ऊपर लगा लीजिएगा, ताकि आपको ड्रोन को ट्रांसपोर्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये था DJI Mavic Air और उसका फ्लाई मोर कॉम्बो के सारे प्रोडक्ट। आई होप आपको अच्छा लगा। मैं डेफिनेटली इसको फ्लाई करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा ये इसका फ्लाई करने का अनुभव है। राइट दोस्तों, अभी बज रहे सुबह को ऑलमोस्ट 5:15। कितने बज गए हैं? और मैं निकल चुका हूँ नए क्वेस्ट में। जैसा कि आपको पता ही है कि शहर में तो हम लोग DJI Mavic Air उड़ा नहीं सकते हैं, तो मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग इसको एटलीस्ट उड़ा सकते हैं और देखते हैं ये कैसे उड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे मॉइस्चर इतनी है कि जैसे ही मैं कार से नीचे उतरा तो मेरे चश्मे की ये हालत हो गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी बीच पे। तो मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी Mavic Air की पहली उड़ान के लिए। दोस्तों, मैं अभी अपना Mavic Air कनेक्ट कर चुका हूँ अपने डिवाइस से। ये कैसे कनेक्ट करते हैं एंड एवरीथिंग, जो स्टार्टअप गाइड है वो मैं एक नए वीडियो में शेयर करूँगा, प्लीज़ उसको देखिएगा। Thank you.
दोस्तों ये था DJI Mavic Air का अनबॉक्सिंग और पहला फ्लाइट। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं फ्यूचर में ऐसे ही और वीडियो बना सकूं और आपका हेल्प कर सकूं।